नेक्स्ट है आज का डांस कंपटीशन। सबसे पहले कौन आ रहा है यहाँ पर थिरकने? क्या बोला? सबसे पहले आएंगे इंस्टाग्रामर्स, दूसरे नंबर पे आएंगे यूट्यूबर्स, तीसरे नंबर पे आएंगे टिकटॉकर्स, और चौथे नंबर पे कौन आएगा? चौथे नंबर है माइक, बोला माइक ही बोलो, माइक 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 जल्दी से माइक दो। पहले हमें दाने सर आते ही माइक, तुम लोग बताओ तो दो चांस दे रहा हूँ क्या है। पहले पे इतने बोले, पहले पे तुम सो रहे थे, मैंने तुम्हें देखे सर। पहले इंस्टाग्राम और जाएंगे, चौथे नंबर पे कौन आएगा? टिक चैंपियन आएंगे। चलो भाई आ जाओ जल्दी से, कौन आ रहा है? अब्दुल बासित, कम ऑन, रेडी, टीम देखेगी भाई, रेडी गो। चलो भाई जबरदस्त, नेक्स्ट कौन है? आ जाओ भाई, रेडी हैं आप? तीसरा नंबर है तुम्हें, रेडी गो। एक मिनट, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, एक तरफ ये एक तरफ वो। अरे अपनी जगह पे जाओ, तुम लोग क्यों खड़े? रेडी गो। भाई जबरदस्त आरिफ। अच्छा आरिफ की परफॉर्मेंस के अंदर ना ये जरूर होता है, और उमर की परफॉर्मेंस के अंदर ये जरूर होता है। भाई कौन है नेक्स्ट? आ गया भाई जंगी, आ गया, रेडी गो।
ताला भाई जंगी, जबरदस्त बेहतरीन। आओ भाई नेक्स्ट कौन है? उमर मियां, दिल वाले उमर मियां। चलो भाई रेडी गो। चलो भाई डिसाइड करके मेरी टीम, सबसे पहले बताइएगा बेहतर परफॉर्मेंस किस टीम की तरफ से देखने में आई, बताइए। अच्छा, हमारे हिसाब से जो जितने भी जी बैठे हुए अजीब से जजेस, तो अब ये है कि इसमें जो हमें जो ज़्यादा बेहतर लगे हैं वो चैंपियंस, और सेकंड में मेरे ख्याल से जो बेहतर लगे हैं हमें जो हमारे अकॉर्डिंग टू अस जी वो मेरे ख्याल से लारेब ज़्यादा बेहतर लगे चैंपियंस, और मतलब आप कह रहे हो उमर और लारेब की दरमियान। बिल्कुल, आप बाकी आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं इन सब चीज़ों। अच्छा, मेरे हिसाब से हम लोग सही भी बोल रहे हैं, क्योंकि नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक राय ये लेना चाह रहा होता हूँ कि जो बात मैं सोच रहा हूँ या मैं जिस तरह देख रहा हूँ वो उससे कितनी मैच होती हुई है। देखिए मेरे हिसाब से लारेब के स्टेप्स आज काफ़ी सारे नए थे, फिर उसने एक नया स्टंट किया जो उससे पहले उसने नहीं किया था और बिल्कुल ठीक ठीक किया, और उसी तरह अगर मैं उमर का, उमर की एनर्जी बहुत अच्छी थी, उमर का असल में जो टेम्पो के अंदर जो डांस था ना, मैं उस वही बिल्कुल बिल्कुल वो बीट के ऊपर था उमर का डांस, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ से मीर जंगी भी हल्का डांस करके नहीं गया, मीर जंगी के भी स्टेप्स बहुत सारे नए थे, और यहाँ से अब्दुल बासित के जो स्टंट्स थे वो पहले कर चुके हैं तकरीबन सारे परफॉर्म, और जो उसके डांस स्टेप्स थे वो भी तकरीबन 90% तुम कर चुके हो। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम अब नया किसके साथ आओगे, तुम नए स्टेप्स के साथ कैसे आओगे। जैसे आज लारेब आया है, ये भी हमेशा से वही करता है जो ये करता है, उमर भी हमेशा से वही करता है जो करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते उस चीज़ करें कि कोई भी प्लेयर किसी नए स्टेप या स्टेप्स के साथ आए, जैसे कि इसने स्टंट करके दिखाया, इससे पहले कभी इसने नहीं किया, ये हमेशा ट्राई ज़रूर करता था लेकिन कभी भी ये कर नहीं पाया था, लेकिन आज फर्स्ट टाइम किया। मेरे हिसाब से ये 3 पॉइंट्स जाएंगे यूट्यूबर्स के साथ, और यहाँ पर मुझे मीर जंगी भी अच्छा लगा था। मैं जो बात कर रहा हूँ रिदम के हवाले से बोल रहा था कि जो एक टेम्पो के अंदर एक जो डांस होता है जी, वो मीर जंगी उससे बाहर था, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल, तो वो उस हवाले से थोड़ा सा बाहर था। बाकी वो उमर मुझे बेहतर लगे, बाकी आपको जो बेहतर लगता, उमर भी बेहतर था मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ये 3 पॉइंट्स जाएंगे यूट्यूबर्स के साथ। उमर ने कोई स्टंट नहीं किया था और उमर के स्टेप्स भी वो थे जो मैं पहले देख चुका हूँ सारे। 1 पॉइंट जाएगा चैंपियंस के साथ, 1 टिकटॉकर्स के साथ हो जाएगा। इस जाएंगे यूट्यूबर्स के साथ 1 पॉइंट, चैंपियंस के साथ 1 पॉइंट, टिकटॉकर्स के साथ।